पहले बाहर बुलाए अंदर से घर में से बुला के जो है तो वहाँ तक लग गए, वो नीचे तक लग जा रहे थे मेडिकल तक, मेरे बच्चे पुलिस वाले बुलाए घर में से, घर में से पुलिस वाले बुलाए मेरे बच्चे को अंदर से, तो अंदर लेटा था वो दिन में तीन तीन चार चार रखा तंग कर दिए, अब क्या हिफाजत करे बोलो बुलाए लगाज अंदर से। जीरो जीरो थर्टी आवर्स में काला पत्थर रोड सीटर शानूर गाजी उसके ऊपर अटैक हुआ, ब्लीडिंग हुई, हेड इंजुरीज है, अभी उस्मानी में देख के ट्रीटमेंट चल रहा, हेड इंजुरी और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा ये हो गए, और उन्होंने भी प्रीवियस दो मर्डर केसेस भी इन्वॉल्व है, अब हमको अभी एरिया में हमारा टीम्स गए सस्पेक्ट को वेरीफाई करने के, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, जल्दी से जल्दी वो लोग पकड़ के अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते। सर ये मर्डर होने की वजह क्या है सर? ये मर्डर होने की वजह वैसा इससे पहले दो मर्डर इन्हों कर दिया, ओके इसका थ्रेट है थोड़ा, वो हिसाब से हम डेली डे एंड नाइट भी चेक करा, हम चेक करके एक हाफ एन आवर के बाद इन ये हो गया, हमारा ऑफिसर चेक करके फिर एरिया में घूमे तक एक आधा घंटे पे ये इंसिडेंट से हुआ, मैं भी एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, इमिडिएटली घर जाके देख लेकर इमिडिएटली उस्मानिया जाके देख के आ रहा हूँ, हेड इंजरी है, ब्लीडिंग बहुत गया, अभी ट्रीटमेंट चल रहा। चांसेस कुछ है साहब उनके बचने के, डेड हो सकते हो? सीरियस कंडीशन है तो ट्रीटमेंट चल रहा। आपके पीएचडी में दो दिन पहले ये काउंसलिंग हुआ था रोडी शीटर्स के बारे में, अच्छा रहना बोल के। यस वन ईयर से कुछ इंसिडेंट नहीं है रोडी शीटर का, उसके बारे में हम काउंसलिंग प्रोग्राम में सर को बुला के काउंसलिंग करके कुरान भी दे दिया, कुरान शरीफ दे दिया, अच्छा अच्छा आयत पढ़ के भी वो लोगों को समझा दिया, मगर वो लोग दिल में थोड़ा इससे पहले गर्जस रहता ना, उसका भाई मर गया, उसका कोई तो रिश्तेदारों ने वो रिवेंज लेने के लिए हुआ सर का ये हो रहा, मगर हमारा टीम्स गए अभी हम एक्सपोज करे तो फिर वो लोग भी फिर ज्यादा टाइम लगता, हमारा टीम्स एक कर रहा जल्दी से जल्दी हम पकड़ लेते। सर इसके बाद अगर आप ऐसे एक्शन होने के बावजूद अब जो प्रोग्राम कर रहे थे काउंसलिंग का, इसके बाद ये सेकंड फर्स्ट टाइम हुआ ये, तो इसके बाद आप लोग को फिर कुछ काउंसलिंग करेंगे या कुछ पनिशमेंट? हमारा खा भाई अब 65 रोडी शीटर्स है, हमारा एवरी हमारा डे एवरी डे डे एंड नाइट सब एरिया में ये करते हुए अभी भी हाफ एन आवर के पहले उसको चेक करा, हमारे पास एविडेंस भी है, मगर ये हो गए अभी नए वाले सर को देखने के हम कंट्रोल करने की कोशिश करते, इन्हें बहुत एक्टिव रोडी शीटर था, सब इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, मगर थ्रेट परसेप्शन है बोल के हमको मालूम है, उस वजह से डे एंड नाइट एरिया में चेक कर रहा ये कर रहा, सामने और सामने।